क्या आप भी छत पे गार्डनिंग करते हैं और आपको गार्डनिंग में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो उसी के लिए आज हम बताएंगे आपको चार बातें जो बहुत ज़रूरी है छत पर सब्जी लगाने के लिए। तो सिर्फ वही चार बातें आज मैं आपसे शेयर करूंगी। तो वो चार बातें कौन कौन सी है, चलिए हम डिटेल में जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखें, स्क्रिप्ट ना करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। तो सबसे पहला नंबर पे आता है, जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमारी होनी चाहिए मिट्टी। दूसरे नंबर पे हमारी चीज़ होनी चाहिए कंटेनर, या फिर ग्रो बैग आजकल बोल सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत प्रकार के कंटेनर्स, ग्रो बैग, सब चीज़ अवेलेबल हो गया है, आसानी से भी मिल रहा है, तो कंटेनर हो गया। तीसरी चीज़ क्या है, धूप पानी। आपको जब छत पे गार्डनिंग करिएगा तो आप ऐसा सेटअप लगाइए जहाँ पे आपको धूप की अच्छी, पौधों को धूप अच्छी मिले, पानी की व्यवस्था अच्छी हो। और चौथे नंबर पे जो है थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें आता है खाद, बीज, दवा, समय और कीट का नियंत्रण। ये सब कुछ चार बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें हमेशा प्रॉपर गार्डनिंग में फोकस करना पड़ता है। अगर आप इन चार चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपको गार्डनिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आप अच्छे से, आसानी से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे थोड़ा बात करेंगे मिट्टी। तो सब्जी लगाने के लिए हमें मिट्टी कैसे बनानी है, कैसा होना चाहिए सॉइल मिक्सचर, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, कभी भी हम जो पौधा लगाते हैं, पौधा क्या है, जैसे हमारा शरीर है वैसे ही हमारे पौधे हैं। अगर हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो क्या होता है ना कि सीमित जगह में गार्डनिंग कर रहे हैं, हम अपने पौधों को बहुत सीमित जो है जगह देते हैं, जिसकी वजह से उनके रूट का जो विकास होना है वो जितना आपका कंटेनर का साइज है उसी में होता है। इस तरह जो है हमारा मिट्टी होना चाहिए। मिट्टी अगर कम कंटेनर में कम मिट्टी आ रही है लेकिन वो पोषक तत्व से भरी होनी चाहिए, आप ऐसा मिट्टी बनाइए जिसमें न्यूट्रिएंट्स भर भर के हो। तो न्यूट्रिएंट्स में देखिए क्या क्या है, इस पे भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिएंट्स पौधों को विकास करने के लिए और बहुत अच्छी हेल्दी फसल के लिए 5 से 6 चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन आप जो है सबसे ज़्यादा, जैसे कि हमारे पौधे को तो बहुत से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो क्या चाहिए, एनपीके। जिसकल में एनपीके आप सब जानते होंगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक करते हैं तो उसमें एनपीके किसको कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। मात्र ये 3 ऐसे चीज़ हैं जिसे हमारे पौधे काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पे स्वस्थ पौधे का जो राज है वो है एनपीके। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ नाइट्रोजन क्या काम करता है, आपके पत्तियों को हरा रखता है, हरा रहेगी पत्ती, भोजन अच्छा बनाएगी, क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश से अपनी पौधे अपना एनर्जी और भोजन बनाते हैं जिससे पौधा अच्छा रहता है। फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर फास्फोरस मिट्टी में कम हो गया तो जड़ का विकास नहीं होगा, सफ़ेद जड़ कम हो जाएंगे तो क्या है कि पौधे अपना न्यूट्रिशन मिट्टी से नहीं ले पाएंगे तो आपकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाएगी। तीसरी चीज़ है जो है पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या है, एक समझ लीजिए कि पौधे के लिए एक जूस की तरह है। जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं, सब चीज़ ले रहे हैं, लेकिन अगर हम जूस, दूध या फिर एक्स्ट्रा कुछ अगर लेते हैं जिससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है काफ़ी मजबूत हो जाती है, तो हमें छोटे मोटे बीमारी कम होते हैं, उसी तरह ये पौधों के लिए पोटेशियम है। गर्मी, ठंडा, धूप, बहुत तेज़ बारिश, क्लाइमेट अचानक चेंज होना, ऐसे में क्या होता है कि पौधे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनको रिकवरी करने में फिर लंबा समय लग जाएगा, ऐसे में ग्रोथ कम हो जाएगी। अगर हमारी मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अच्छी रहेगी तो हमारे पौधे जो है तनाव मुक्त रहेंगे, वो हरे भरे और जड़ का भी विकास हो गया, पौधे भी स्वस्थ हैं तो फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी होगी, और पौधे अगर हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो कीड़े अपने आप ही उसमें नहीं लगेंगे। तो ये हो गया हमारा मिट्टी का, सबसे ज़्यादा जो है हमें मिट्टी पे अपना पहला चीज़ जो है मिट्टी, इसलिए मैं पहले नंबर पे उसको रखी हूँ। पहले आपको मिट्टी इतनी रिच बना देनी है कि आपके पौधे
मतलब बहुत स्वस्थ रह होंगे। हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, कंटेनर। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जियां बहुत प्रकार की होती हैं, आप किस प्रकार की सब्जी लगा रहे हैं उस पे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है छोटे मतलब पौधे वाली सब्जियां। छोटे पौधे वाली सब्जियां में आ जाता है बैंगन, मिर्च, टमाटर, फूलगोभी, इस टाइप की जो सब्जियां हैं उन्हें आप छोटे कंटेनर में लगाइए। लेकिन इतना भी छोटा कंटेनर नहीं होना चाहिए कि उसे विकास करने में प्रॉब्लम हो। अब छोटे गमले में क्या होता है, 10 इंच 12 इंच के अगर हम गमला यहाँ पे लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें 2-4 फ्रूटिंग मिलती है। लेकिन अगर वही हम 25 इंच 30 इंच या फिर अच्छा 1 फीट 2 फीट के जब ग्रो बैग या फिर कंटेनर में जब उस पौधे को हम लगाएंगे मिर्च या टमाटर का, तो वो पौधा आपका काफ़ी बूसी रहेगा क्योंकि उसको पोषक तत्व भरपूर मिल रहा है, इसलिए वो अपनी जड़ों को बहुत विकास कर रहा है और पौधा बहुत ग्रोथ में है तो ज्यादा होगा। और दूसरे कंटेनर में आ जाते हैं जितने भी बेल वर्गीय सब्जी हैं, उनके लिए आप हमेशा कोशिश करें बड़े कंटेनर का। तो बड़े कंटेनर कैसा होना चाहिए, ग्रो बैग हो, लंबे लंबे आजकल देखिए मार्केट में अवेलेबल है, बड़े बड़े ग्रो बैग हैं, बड़े कंटेनर में पानी की टंकी आ जाती है। तो इस तरह से बड़े कंटेनर, आप जितना बड़ा कंटेनर लेंगे बेल वर्गीय सब्जी के लिए वो काफ़ी अच्छे होंगे। मैंने नोटिस किया है, मैं इतना साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, मैंने हमेशा देखा है और मैं जब भी गार्डनिंग करती हूँ मैं ये महसूस करती हूँ कि जब जब मैंने बेल वर्गीय सब्जी को बड़ा कंटेनर दी हूँ तब तब हमारे पौधे बहुत फ्रूटिंग किए हैं। खाद की भी यहाँ हमें मात्रा कम खाद में भी हमारे पौधे अच्छे सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी रिच रहती है और उन्हें बार बार हमें खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो कंटेनर का साइज बड़ा है। वहीं अगर आप छोटे कंटेनर में लगा दीजिएगा तो आपको जल्दी जल्दी उसकी मिट्टी को निकालना होगा, बार बार खाद मिलाना होगा, तो इससे एक तरह से आपका खाद का जो खर्च है वो बड़े कंटेनर में कम हो जाता है। यहाँ पे आप हमने कंटेनर के बारे में आपको बताया। अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, धूप और पानी। धूप मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पौधे को धूप बहुत पसंद है। अगर हम अपने पौधों को प्रॉपर धूप नहीं मिलेगा, ऐसे तो छत पे देखिए अमूमन छत है तो उस पे धूप आती है, लेकिन बहुत से लोग का घर ऐसा भी है कि छत पे धूप कम आती होगी, तो वैसे जगहों पे आप सिलेक्शन ना करें कंटेनर रखने का। ऐसे जगह पे सिलेक्शन करें जहाँ पे उसे अच्छी मतलब 5 घंटे की भी धूप अगर आ जाती है या पौधे को लग जाती है तो आपका पौधा बहुत हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। तो धूप पौधे को अगर लगेगी तो थोड़े कीड़े का भी अटैक कम रहता है, पौधे अपना भोजन अच्छे से बना पाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। पानी, पानी हमें इसलिए कह रही हूँ कि पौधों को देखिए सर्दियों में पानी की नीड कम होती है, गर्मियों में पानी की नीड ज्यादा होती है, बरसात में पानी की नीड नहीं भी होती है। तो पानी आप ऐसे व्यवस्थित रखें जिससे आप अपने समय के अनुसार पौधों को पानी दें। दूसरी चीज, जैसा आपका पौधा है उस अनुसार आपको पानी देना है। छोटे पौधे को कम पानी की जरूरत है, बड़े पौधे को ज़्यादा पानी की जरूरत है। छोटे कंटेनर में पानी अच्छे से डालिए या फिर बड़ा कंटेनर है तो उसको बड़ा कंटेनर में अगर पूरा डीप एक बार हम पानी कर देते हैं तो उसे फिर सूखने तक पानी ना दें। कम से कम जैसे आप 1-2 इंच मिट्टी थोड़ा हटा के देख लीजिए, आपकी मिट्टी अगर गीली है तो आप दूसरे दिन पानी दें। तो पानी का नियंत्रण आप ठीक से करिए, जिससे क्या है कि अगर पानी ज़्यादा हो जाता है ना तो रूट में फंगस लग जाते हैं, तो आपको रूट के फंगस को भी बचाना है। तो इस तरह से आप पानी को नियंत्रण करें। आते हैं चौथा और लास्ट जो है, जिसमें हमने आपको बहुत सारे चीज बताए हैं, खाद, बीज, दवा, समय और कीट का नियंत्रण। तो देखिए सबसे पहला खाद, पौधे को अच्छे से उगने के लिए सही खाद का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो सही खाद क्या है, ऑर्गेनिक में सबसे सही खाद अभी के जैसे हम शुरुआती से देख रहे हैं या फिर इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो गाय की गोबर की खाद बेस्ट है। हम अपने घर के जो साग सब्जी के छिलके निकल रहे हैं वो खाद बहुत अच्छे हैं, जिससे हम ऑर्गेनिक खाद कह सकते हैं, किचन वेस्ट खाद बोलते हैं इसे हम, और ऑर्गेनिक मैटर है, अपने घर में खुद बनाते हैं जिससे हमारा मतलब क्लाइमेट भी सही है। हम अपने घर के वेस्टेज से जो खाद बना रहे हैं उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारा किचन वेस्ट खाद होता है। तीसरी आ जाते हैं लीफ कंपोस्ट होता है, जो सूखे पत्तियों से जो खाद बनती है उसे हम लीफ कंपोस्ट कहते हैं, वो भी खाद बहुत अच्छी खाद है। आपको पतझड़ के मौसम में पत्ते कलेक्ट करना है और उसका खाद बना लेना है, ये सब खाद अब बहुत अच्छे से हमारे पौधे को अच्छा पोषक तत्व देगा और हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे। जाते हैं बीज, तो देखिए बीज आपको देसी भी ले सकते हैं, अगर आपके पास देसी बीज है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी देसी सब्जियां काफी अच्छी होती हैं, तो आप देसी बीज अगर मिल जाए तो आप लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो आप ऐसे शॉप जहां भी आप रहते हैं। देखिए दूसरी चीज, हमारा शहर डिपेंड करता है बीज के मामलों में, आप किस शहर से हैं। हमारे यहाँ अभी मैं बिहार से हूँ तो इतनी गर्मी में मैं कहूँगी कि अभी बहुत से आपने वीडियोस देखे होंगे या बहुत से यूट्यूब पे वीडियो आ रहे होंगे, उनके शहर में टमाटर हो रहा होगा, लेकिन
लेकिन हम बिहार से हैं तो हमारे यहाँ छत पे अभी टमाटर नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, लेकिन हम उनको देख के हम खुद टमाटर लगा ले तो ये हमारी गलती होगी। तो ऐसे चीजों से आप परहेज करें। बीज आप अपने शहर के अनुसार चुनें, आपके शहर में कौन सा बीज ज़्यादा अच्छा है, कौन सा बीज लगता है जिससे आपको प्रॉफिट हो। यानी अभी तो जैसे ऑनलाइन बीज आ रहे हैं तो वो ऑनलाइन बीज आप कहीं से भी मंगा सकते हैं, लेकिन क्या वो बीज आपके शहर के लिए सही है या नहीं है ये चीज़ हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आप अपने लोकल शॉप में जाइए, वहाँ से बीज वाले दुकान खोजिए। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन आपको अच्छे क्वालिटी के बीज वहाँ से मिल जाएंगे। और आपके मौसम के अनुसार, आपके शहर के क्लाइमेट के अनुसार और आपके शहर की मिट्टी के अनुसार वो बीज आपको अवेलेबल होगी तो आपकी फ्रूटिंग अच्छी होगी। तीसरी आते हैं दवा। तो ऑर्गेनिक जब सब्जियां लगाइएगा तो देखिए जैसा मौसम रहता है, हर मौसम में कीड़े का अटैक होता है, मौसम ऊपर डाउन अप होगा कीड़े का अटैक होगा, क्लाइमेट के अनुसार भी कीड़े का अटैक होता है। उसके नियंत्रण के लिए आप क्या कीजिए कि कुछ फंगीसाइड घर में खुद बनाया कीजिए, या फिर नीम ऑयल आजकल आ गए हैं मार्केट में मिल रहे हैं, या फिर बायो जो है प्रोडक्ट आ गई है, दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो आप अगर बिगनर्स हैं नहीं बना पा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों का मार्केट से लेकर के अपने पौधों को बीज डालने के जब आपके पौधे 25 दिन 30 दिन के हो जाएं उस समय से नीम ऑयल का भी स्प्रे अगर वीकली करते हैं तो कीड़े का अटैक कम होगा। पौधों को अच्छे से स्प्रे करेंगे, पानी से भी वास करेंगे तो कीड़े का अटैक कम होगा। समय का ध्यान रखना है, आप समय के अनुसार सब्जी लगाइए, जिस मौसम में जो सब्जियां लगाई जाती हैं उन्हीं समय पे आप सब्जी लगाइए। पहले जैसे कि हम बरसात अब आने वाली है तो अभी जो बरसात में सब्जियां लगाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों को कोशिश करें लगाने का। ठंड फिर आएगी तो ठंड की सब्जियों को लगाइए। समय के अनुसार अगर सब्जी लगाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो कीट का नियंत्रण है, आप कीट के नियंत्रण के लिए जैसे कुछ कुछ चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बेल वर्गीय सब्जी लगा रहे हैं उसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक ज़्यादा होता है, तो आप कोशिश करें फ्रूट फ्लाई को पकड़ने के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर है एक आता है फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है उसे लगाइए, येलो स्टिक लगाइए, ब्लू स्टिक लगाइए, जिससे आपके छोटे छोटे कीट वो नियंत्रण कर लेगा। भर भर के गार्डन में लगा दीजिए जिससे आपको दवा और ये सब चीज़ को कम करना पड़ेगा और यहाँ पे आप कीट को भी नियंत्रण कर लेंगे। वीकली स्प्रे कीजिए, पौधों को वीकली नहलाइए जिससे अगर कोई कीड़े वगैरह हैं तो आप हटा दीजिए। वीकली चेक कीजिए, पत्ते पे अगर कीड़े हैं तो इफेक्टिव हो उन्हें काट कर हटाइए। इस तरह से आप कीट को नियंत्रण करके आप गार्डनिंग में अच्छा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आपको कभी भी जो है आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जो भी बिगनर्स लोग होंगे वो अच्छे से गार्डनिंग कर पाएंगे। तो मैंने कोशिश की है अपनी बातों को बहुत कम बातों से समझाने की और उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें भी आपको समझ में आई होगी। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन चार बातों से आप शुरुआत करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल पे मेरा कमेंट कर दें, मैं उसका सलूशन आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बाकी तो टाइम टू टाइम मैं हर प्रकार के वीडियोज आप मैं अपने चैनल पे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर से हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।